तो अभी हम लोग आ चुके हैं राजगीर के एक और फेमस जगह गर्म कुंड स्थान पे, जिसके अंदर आपको गर्म जल कुंड मिलता है जिसका पानी हमेशा गर्म रहता है। तो ये है इसका मेन एंट्री गेट, तो चलते हैं हम लोग इसके अंदर और देखते हैं अंदर का व्यू। और यहाँ आप लोगों को सीढ़ियों से होकर जाना पड़ेगा ऊपर गर्म कुंड के लिए। और यहाँ एक संतोषी माता का छोटा सा मंदिर है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक शावर टाइप कुछ है। और ये गर्म कुंड के लिए यहाँ से आप लोगों को इधर जूते चप्पल उतारने होंगे और इसके अंदर जाना होगा। चलिए चलते हैं हम लोग आगे और देखते हैं कि गर्म कुंड का पानी कैसा है। तो यहाँ पे जो प्रधान कुंड है वो गर्म कुंड के नाम से फेमस है। अभी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। और ये यहाँ पे छोटे छोटे सेक्शन में बटा हुआ है जहाँ कि आपको गर्म गर्म पानी मिलता है। तो जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो यहाँ पे जो पानी आता है वो पहाड़ों से होके आता है जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा गर्म रहता है। ये आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे एक मगर शेप का बना हुआ है जहाँ से कि पानी गिर रहा है। कुछ अंकल लोग और कुछ भैया लोग मिले हैं। आप लोग अयोध्या से हैं, उत्तर प्रदेश। जी जी, तो कैसे आए आप लोग यहाँ? हम लोग आए हैं कुछ व्यवसायिक हैं, घूमने टहलने के लिए भी आए हैं। हमारा नाम पंडित दीनदयाल भट्ट, हम लोग योगी जी के समर्थक हैं। बेसिकली मैं भी यूपी से हूँ। तो यहाँ आप लोग कैसे हैं? फाइव फोर व्हीलर है, कार है, पसंद पसंद करते हैं। आप लोग से मिल के बहुत ही अच्छा लगा। आपसे भी मिल के बहुत अच्छा लगा। आप करके भी निकली, थैंक यू, धन्यवाद आपका। तो अभी अभी हम लोग गर्म कुंड से होके आ रहे हैं और मेरे दो फ्रेंडों ने यहाँ पे स्नान भी किया और यहाँ का पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म था। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कोई और यहाँ पे इंटरेस्टेड जगह पे और दिखाते हैं। बन रही है आप लोग मेरे साथ।